उत्साहवर्धन के रूप में ज्यादा समय न लेते हुए बच्चों को उत्साहवर्धन करें बहुत बहुत शॉर्ट में। सभी को नमस्कार मेरा, और पिछले साल इन्हीं दिनों में मैं सुधीर सर से भी यही बात कर रहा था। सर से शायद आप बहुत सारे लोग परिचित होंगे, बहुत सारे नहीं होंगे, और काफी कोल्ड और कफ से प्रभावित हूँ मैं अभी, इसलिए बहुत ज्यादा जोर से नहीं बोल पाऊंगा। कोशिश करूंगा आप सब तक आवाज पहुंच पाए मेरी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप जहां पर हैं, मेरे ख्याल से एमपी में आप सेफ जोन में हैं, सेफ हैंड में हैं। ओपी सर का हाथ अगर आपके ऊपर है, सिर्फ अपना दिमाग चलाना छोड़ दें, जितना सर बताते हैं सिर्फ उतना करते जाएं। अगर आप अपनी तरीके से सोचेंगे या आप सोचेंगे नहीं ऐसा नहीं हमें ऐसा करना है, तो हो सकता है आप इंजर्ड हो जाएं, और इंजरी लेना इस समय शायद आप अपनी बदनसीबी कहें उसे, क्योंकि मैं बहुत झेल चुका हूं सर, जानते हैं। मैं नीमच से, मेरा लास्ट चांस था एएसआई का, और रिटर्न की मैंने तैयारी वहीं से करी। उसके बाद जब मुझे लगा कि मेरा रिटर्न आराम से निकलेगा, मैं सब कुछ छोड़ के, मैं जॉब में था, कांस्टेबल था नीमच में, 2 महीने में सर के पास रहा और सिर्फ फिजिकल के लिए मैं यहाँ आया था। लास्ट चांस था। मैं आपको बता दूं कि मेरी एज अभी 36 रनिंग है, उस समय 35 का था मैं सोच नहीं सकता कि मैं 2:40 में 800 मीटर कैसे दौड़ूंगा। सर के पास आया, सर से मैंने फ़ोन पर बात करी, सर ने कहा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे आ जाओ। नेक्स्ट डे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा, दूसरे दिन मैंने 1 दिन की छुट्टी का आवेदन दिया और मैं सीधा यहाँ आ गया। उसके बाद मैंने मेडिकल लगाया 2 महीने तक, कोई दिक्कत नहीं रहती उसमें। 2 महीने तक मैं यही सर के पास रहा, उसमें से 1 महीना इंजर्ड भी रहा, मतलब वर्कआउट मेरा 35-36 दिन रहा, लेकिन सर ने इतने अच्छे से वर्कआउट करा, इतने अच्छे से ट्रीट करा कि मैं जो चीज़ सोच नहीं सकता था कि मैं 2:40 में कभी 800 मीटर इस एज में दौड़ लूँगा। लेकिन जब मैं ग्राउंड पर गया, एक उससे लास्ट ट्रायल ली थी सर ने 5 दिन पहले सर ने ट्रायल ली, और आप सबको भी शायद, मैं ऐसी मेरी शुभकामना है कि आप सबको तिरंगा किट मिले, जो टाइमिंग के अंदर आते हैं सर उन्हें एक तिरंगा किट देते हैं, उसका एक अपना इफेक्ट होता है, उसे जब हम पहनते हैं तो हमें लगता है कि यार हम बहुत अलग हैं। तो लास्ट ट्रायल के एक ट्रायल पहले मेरा टाइम आया था 2:41 मैं शाम को सर के पास गया, सर ने मुझे कहा कि रितेश तुम तिरंगा किट ले लो। मैंने कहा नहीं सर, मैं 2:40 के अंदर आके लूँगा। सर ने कहा नहीं तुम ले लो। सर ने मुझे तिरंगा किट दी उस दिन, और लास्ट ट्रायल 5 दिन पहले जब था तो बहुत डरा हुआ था। आप लोगों के साथ भी यही होता है, ट्रायल में सब लोग डरते हैं, पर एक मैं अपनी बात को बीच में रोक के एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ट्रायल सब देना, सब डरते हैं, कोई नहीं ऐसा है, शायद अंकित भाई है, आकाश है, ये सभी शायद 2:20, 2:25 में दौड़ते हैं, तब से ही दौड़ते हैं, अब पता नहीं हो सकता 2:10 में दौड़ रहे हो। लेकिन ट्रायल का डर इन्हें भी है, सबको होता है, तो ट्रायल से डरना नहीं है, ट्रायल आपको देना है, सबको होता है। हम भी सर के पास जाते थे, बहाने करते थे, सर आज पैर दुख रहा है, सर आज थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन है, सब होता है, लेकिन ट्रायल देना है, ट्रायल छोड़ना नहीं है, क्योंकि वही डर आपको ख़त्म करना है। तो मैंने जब लास्ट ट्रायल मैंने दी तो मेरा यहाँ टाइम आ गया उस दिन 2:38। तब मुझे लगा कि हाँ तिरंगा किट कुछ है, तिरंगा किट से हमें एक कॉन्फिडेंस आता है अंदर से। उसके बाद जब फिजिकल था मेरा, तब भी बहुत डरे हुए थे, ऐसा नहीं कि टाइम आ गया तो हमारा डर खत्म हो गया, डर खत्म कभी नहीं होता। जब ग्राउंड में इंटर हुए, 6 बजे से हम लाइन में लगे, ग्राउंड में इंटर हुए, और दौड़ने का नंबर आया था मेरा 12:30 बजे। काफ़ी समय वहाँ आपको थकना पड़ता है, जिस तरीके से सर जो प्रैक्टिस कराते हैं ना, इतना दम भर जाता है हमारे अंदर कि वो थकान पता नहीं चलती। 12:30 बजे में जब दौड़ा था, तो जब लाइनअप हो रहे थे, मैं 3 बार पानी पीने गया, 3 बार मैंने एक एक घूट पानी पिया, और जब लाइनअप हुए उसके बाद जैसे ही स्टार्ट हुआ, मुझे पता नहीं चला कि मेरी रेस कब ख़त्म हो गई। 2:32 की रेस मार के आया था, नहीं चला पूरी रेस एक जैसी कब खत्म हुई। यहाँ सर बताते हैं हमें कि आपको 200 मीटर उठाना है, लेकिन शायद सर मुझे ध्यान है कि मैंने वहां 250 या 300 मीटर उठाया था, और सिर्फ सर को सोचिए। मैं सिर्फ इतना
कहना चाहूंगा कि सर आपको जो बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, सिर्फ आप उसको फॉलो करें, सक्सेस आपके हाथों में है। और मेरी आप सबके साथ शुभकामना है कि कल, अगले साल, कल से मतलब कि आने वाला समय, अगले साल आप भी मेरी तरह यहाँ खड़े रहें और अपने दूसरे जो भाई लोग आए आप उन्हें संबोधित करें, आप उन्हें मोटिवेट करें। बेस्ट ऑफ लक सभी को। और सर के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जैसे ये सूर्यदेव हैं, ना हम इन्हें दिया दिखा सकते हैं, ना सर को दिखा सकते हैं। गुरु है और मेरे लिए भगवान का रूप यही है। शायद मैं यहाँ नहीं आता तो मैं आज वहीं कांस्टेबल में होता। वो जो मेरा सपना था दो सितारे लगाने का, वो कभी पूरा नहीं होता। धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो इतना बहादुर बेटा आपके पापा जी ने मुझे सौंपा था। और ऐसे बहादुर बेटे तो हमको सभी मिलने चाहिए। चलिए, इसी के साथ आपको योगेश, सब इंस्पेक्टर योगेश जी आपके बीच में आए हैं। योगेश का चयन सब इंस्पेक्टर में होने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं। उनका कहना नहीं, सर हम अब कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, हमारे पास जॉब है, अब मुझे डीएसपी चाहिए। और डीएसपी भी कैसे चाहिए, कुछ अपनी मेहनत से और कुछ लोगों की दुआओं से। मैं पूछा कि दुआएं कैसे लेंगे, बोले कि मैं इंदौर में आ चुका हूं भोपाल से ट्रांसफ़र कराने के लिए पढ़ाई के उद्देश्य से। अब मैं और मेरी दो चार लोगों की टीम है जिसमें सभी सब इंस्पेक्टर हैं, कुछ डीएसपी भी हैं इनके साथ के, यहाँ पर उनके कारण यहाँ पर आए हुए हैं। और दुआ इस तरह लेना चाहते हैं कि ये एक कोचिंग भी डाल चुके हैं शायद, जिसका मात्र वहाँ का रजिस्ट्रेशन चार्ज 500 या 1000 रुपये कुछ रखा गया है। कुछ लोग यहाँ से 50-60 बच्चे जा भी रहे हैं। और बेहतर से बेहतर पढ़ा करके आप लोगों से दुआएं लेकर के सिलेक्शन देना चाहते हैं। वेलकम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी रेडी हैं एग्जाम के लिए? नहीं लग रहा है। सभी रेडी हैं? आर यू रेडी? वेरी गुड। जैसा सर ने बताया, इतनी काबिलियत तो नहीं है मेरे अंदर, ये सर का ही आशीर्वाद है कि आज हम यहाँ खड़े हुए हैं और आगे का सोच रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि अभी रितेश सर ने बताया कि यदि आपने सर की बात को फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन डन है। जबकि मेरा ये मानना है कि यदि सर की बात का आपने यदि 25% भी फॉलो कर लिया तो आपकी सफलता निश्चित है। खुद का एक्सपीरियंस में शेयर करूं तो जिस दिन मैं पहला मैंने अपना ये दिया था फिजिकल ट्रायल था, तो एक राउंड दौड़ा और उसके बाद मैं रुक गया था। मतलब इतनी मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी, क्षमता नहीं थी कि मैं दो राउंड दौड़ सकूं या फिर टाइम में आ सकूं। उसी दिन मैं सर से मिला शाम में जाके, मैंने सर अब क्या करूं, मेरा तो ये नहीं हो रहा है, एक राउंड में ख़त्म हो गया मैं तो एकदम। सर ने बोला कि अभी आए हो, थोड़ा टाइम लगेगा, बस लगे रहो तुम, निकल जाएगा। अगले संडे आया, अगले संडे फिजिकल वापस ट्रायल दिया। जैसा कि ट्रायल का बताया सर ने कि जिस दिन ट्रायल रहता है उस दिन कहीं ना कहीं दर्द चालू हो जाता है। सर के पास मैं भी चला गया, मैंने सर आज तो ये दर्द हो रहा है, आज तो मैं नहीं देने वाला हूँ ट्रायल। लेकिन सर का उसूल है कि ट्रायल तो आपको देना पड़ेगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वही ट्रायल एक ऐसी चीज़ है कि आपको निकाल के लेके जाएगी। उस दिन ट्रायल दिया, 3:50 मेरा पहला ट्रायल का टाइमिंग था, 3:50 मैंने पहला मारा था। और हमारी बेस सबसे लंबी बेच रही कि सर का लगातार 7 महीने तक हमें आशीर्वाद रहा। 7 महीने तक हमने सर के साथ फिजिकल किया और 7 महीनों में आप यकीन नहीं मानेंगे, जितने भी बच्चे थे वो ये नहीं सोचते थे कि मुझे 2:40 में आना है। जितने भी थे वो ये नहीं सोचते थे कि मुझे 2:40 के अंदर आना है। सभी का ये रहता था कि मैं कितने कम में ये टारगेट पूरा कर पाऊँगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा टाइमिंग 2:34 निकला था फाइनल एग्ज़ाम के लिए। उस दिन भी सर हमारे साथ ही थे भोपाल में, और सर का आशीर्वाद था, ग्राउंड पे भी सर साथ में रहे। और सभी को सर ने बस यही बोला कि आज आपको आपका बेस्ट देना है, आपको, आपके गुरु, आपके माता पिता, आपके खुद के लिए और आपके गांव, समाज, सबके लिए आपको करना है। और उस दिन का जोश वाकई में अलग होता है। जैसा रितेश सर ने बताया कि पता ही नहीं लगेगा कि आप कब
क्लियर करके फिनिश लाइन पे पहुंच जाएंगे। जैसा सर ने अभी क्लास का बताया, प्रयास चल रहा है, चाह रहे हैं हम भी कि आपको कुछ अच्छा दे सकें। जो हमने सर से यहाँ लिया है उसका यदि हम 1% भी देंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने कुछ किया है हमारे लिए, हमारे भाइयों के लिए। ऑल द बेस्ट आपको आपकी एग्ज़ाम के लिए। मैं यही चाहूँगा कि आप कॉन्स्टेबल की एग्ज़ाम क्लियर करें, देन आप सब इंस्पेक्टर भी बने और आने वाले टाइम में DSP बन के सर का नाम रोशन करें। आप लोग अक्सर देखे होंगे बीच बीच से निकल रहे हैं लोग, अपन चाहते तो दो अपने जवान वहाँ भी खड़ा कर सकते हैं, वो कि अंदर कर देंगे कि अंदर से जाइए, मगर मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ कि आप कितना अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, डाइवर्ट ना होके कॉन्सेंट्रेट कितना आप कर सकते हैं। कहीं इनकी बातों को लेकर वो दौड़ने वाले के एक्शन में तो नहीं पहुंच गए कि कितना गंदा दौड़ रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं क्रॉस करता हूँ, हर व्यक्ति को क्रॉस करता हूँ, किसी को डांट के कि तुम तो लड़कियों के भी पीछे दौड़ रहे हो, दौड़ ही नहीं सकते, तुम अच्छी तरह वर्कआउट नहीं कर रहे हो, डाइट नहीं ले रहे हो, ये बहुत सारी चीज़ें मैं बोल जाता हूँ जो ऐसा आपको लगता है कि हमें नहीं बोलना चाहिए। ये मेरे एक कोचिंग का फंडा, एक मेरे हर कोच का एक रहता है, किसी दिन आपको गुस्सा दिलाए तो किसी दिन जोश दिलाए, किसी दिन आपके दिल पे लगे ऐसी बात बोलेगा, कभी प्यार से समझाएगा। मेरा एक फंडा है, एक पार्ट्स है कि मैं आपको सक्सेस की ओर ले जाऊं, चाहे जिस तरह से ले जाना है। आपका सिलेक्शन बहुत होना है, हद से ज्यादा होना है सिलेक्शन। मैं 3 साल के बाद पास गया था, उन्होंने एक ही वर्ड बोला, इस बार तो बहुत अच्छे सिलेक्शन होंगे। और शायद ये मेरी 5वीं नौकरी है, और जो सोचते होंगे कि सर किट देते हैं, दवाई देते हैं, अगर इंदौर में एथलेटिक्स किट लोग रखने लग जाएंगे तो हम किट भी देना बंद कर देंगे, न्यूट्रिशियन के बारे में लोग बाग जानने लगेंगे तो हम वो भी बंद कर देंगे। मेरा ये कोई किसी प्रकार का इसमें लोभ या लालच के दायरे में मैं नहीं कर रहा हूँ, मालिक ने सब कुछ दे रखा है मुझे, और आपको यकीन दिला रहा हूँ जिस ग्राउंड में खड़ा हूँ इससे ग्राउंड से प्री मेरे जीवन का कुछ भी हिस्सा नहीं है, साथ ही आपसे प्रिय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। विश्वास के साथ आप प्रैक्टिस करें, और मैं आशा करता हूं कि आप सिलेक्शन ले लें, और साथ ही आपको आज एक इंटरनेशनल एडवाइजर जो न्यूट्रिशियन से रिलेटेड हैं, आपको जो थकान है तो ज़्यादा समय ये नहीं लेंगे, मात्र 5 मिनट के समय में आपके थकान को दूर करेंगे, मेंटली रिलैक्स करेंगे, और 5 मिनट में ही आपको डाइट के बारे में कुछ